आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ पूजा प्रथम। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आज बूंदी में इनोवेटिव ग्रुप द्वारा चार प्रतिभावान महिलाओं का सम्मान कर केक कटवाकर महिला दिवस मनाया गया। ये चारों प्रतिभावान महिलाएं बूंदी जिले ही नहीं बल्कि राजस्थान से बाहर भी अपनी प्रतिभा की पहचान रखती हैं, जिनमें उर्मी सोलंकी ने ब्यूटी जोन में अपनी महारत हासिल कर अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त कर रखा है। वहीं कापरेन दरबार की रानी रोहिणी कुमारी ने भी कई संस्थानों में अपनी अहम भूमिका निभाते हुए साथ ही महिलाओं के उत्थान के लिए कई कार्य किए हैं, जिनके लिए वह कई जगह सम्मानित भी हो चुकी हैं। वहीं बूंदी जिला शिक्षा अधिकारी तेज कंवर ने भी शिक्षा के जगत में महारत हासिल कर राजस्थान से अवार्ड प्राप्त कर रखा है। उन्होंने कई विद्यालयों में शिक्षा जगत में बेटियों को पढ़ने के लिए प्रेरित भी किया है। साथ ही रेखा शर्मा भी किसी से कम नहीं, उन्होंने कई संस्थाओं में रहकर सामाजिक कार्य करने के साथ कई गरीब छात्राओं को पढ़ाने में अपना योगदान दिया है। ये चारों महिलाएं बूंदी जिले में ही नहीं बल्कि राजस्थान में भी अपने कार्यों के प्रति अलग ही पहचान रखकर आज इस मुकाम पर पहुंची हैं, जो वाकई सराहनीय है। इनके सम्मान में आज इनोवेटिव ग्रुप को संचालित कर रही नीलिमा माथुर ने सभी के स्वागत में स्वागत भाषण दिए, साथ ही चारों प्रतिभावान महिलाओं का सम्मान किया। इस मौके पर इनोवेटिव की सभी मेंबर्स उपस्थित रहीं। इनोवेटिव क्लब को मैं बहुत बहुत बधाई दूंगी कि आज उन्होंने महिला दिवस मनाया है और एक संदेश है सभी महिलाओं के लिए कि एजुकेशन के बल पर वो जीवन की सभी चुनौतियों का सामना कर सकती हैं। साथ में मैं सभी लोगों से अपील करूंगी कि वो अपनी बेटियों को शिक्षा से का प्रकाश से वंचित नहीं रखें, और यदि किसी बालिका में टैलेंट है तो वो जिस भी क्षेत्र में जाना चाहती है उसको आगे बढ़ाएं, उसके फ्यूचर को उज्ज्वलित करें और उसके जीवन को जो उड़ान है उसकी उसको पूरा करने में मदद करें। आज हम बूंदी इनोवेटिव क्लब की महिलाओं ने इंटरनेशनल वुमेंस डे सेलिब्रेट किया। यहाँ हमने केक काटा और साथ में जो बूंदी की जो प्रतिभाएं हैं उनको सम्मानित किया, जिनमें हमारी डीओ मैडम तेज कंवर, महारानी रोहिणी देवी, रेखा शर्मा जी और उर्मिला सोलंकी ब्यूटी एक्सपर्ट, इनको हमने सम्मानित किया और आगे भी ये क्लब इसी तरह से सम्मान करता रहेगा। हम ये संदेश देना चाहेंगे कि जैसे महिला दिवस सिर्फ एक दिन मनाया जाता है, तो हम ये संदेश देना चाहेंगे कि हर दिन महिला दिवस मनाया जाए और हमें वो सारे सम्मान अधिकार दिए जाएं कि हर दिन महिला दिवस हो जाए। Yes. मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सभी महिलाओं को शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। आज इसकी पूर्व संध्या पर इनोवेटिव क्लब ने एक अच्छा सा प्रोग्राम आयोजित किया जिसमें चार बूंदी की प्रबुद्ध महिलाओं को सम्मानित किया। मैं इस अवसर पर एक कविताएं महिलाओं को समर्पित करना चाहती हूँ। मैं सीमा से हिमालय तक हूँ, मैं सीमा से हिमालय तक हूँ, मैं खेल मैदानों में हूँ, मैं लेखक हूँ, मैं कवित्री हूँ, मैं अपने बुजबल से जीती हूँ, मैं अबला नारी नहीं, मैं आधुनिक नारी हूँ। धन्यवाद। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सभी महिलाओं को मेरी ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाना हमारा तभी सार्थक होगा जब हम देश की सभी महिलाओं को सभी बालिकाओं को शिक्षित करने में सफल हो सकेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबरों का युग, न्यूज युग। अगर आपने अभी तक हमारा न्यूज युग चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बने बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि आपको हमारे सभी रोचक और ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स लगातार मिलती रहे।